दीपावली की पूर्व संध्या, सबको दीपावली की खूब खूब मंगल कामनाएं। ये ज्योति पर्व जो आज हमारे सामने है, गुरुदेव के सपनों का, गुरुदेव के सिद्धांतों का, गुरुदेव के आदर्शों का हम लोगों ने अपने मन में दिया जलाया और ये दिया बराबर जलता ही रहेगा। गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे हमारे अपने परिजनों के मन में भी ये दिया सतत जलता रहे। डॉक्टर साहब ने मन में एक दिया जलाया था गुरुदेव के सिद्धांतों पर, आदर्शों पर आगे बढ़ने के लिए। अब मेरा मानना ऐसा है कि वो इस काम में पूरी तरह से सफल होते जा रहे हैं। सतत अपने शरीर की परवाह न करते हुए गुरुदेव के आदर्शों पर बराबर कार्यक्रमों में निकलना, वो ज्ञान का दिया जो गुरुदेव ने सौंपा था अखंड दीप के रूप में, अखंड ज्योति के रूप में, वो सतत लिखते जा रहे हैं, गुरुदेव की बताई चीज़ों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हम दोनों के सपने, हम दोनों के समर्पण गुरुदेव के चरणों में उन्हीं दियों की बात चलते रहे। डॉक्टर साहब को आज जन्मदिन की खूब खूब मंगल कामना। परम पूज्य डॉक्टर साहब के पावन जन्म दिवस पर समर्पित भाव प्रसंग, प्रणव जी महाचेतना की चमक हैं, शाश्वत अखंड दीपक की चमक हैं। जन्मे धरा पर युगदूत बनकर हुए धन्य तुमसे धरा और अंबर, महाकाल के आप सर्वोच्च सहचर, गुरु प्रेरणा को पहुंचाया घर घर, युग को बदलने की गुरुतर गमक हैं, प्रणव जी महाचेतना की चमक हैं। चेतना दिवस 2017 मेरा जन्मदिन भी है और छोटी दिवाली भी, हर बार तिथि के हिसाब से इसी दिन पड़ता है। मैं सभी को मंगल कामनाएं देता हूँ, सभी को परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद, वंदनीय माता जी के आशीर्वाद। युवाओं जाग जाओ, चेतना का पर्व है आया, गहनतम में प्रणव बनकर उजाला रोशनी लाया। मैं हर साल यही सोच के मनाता हूँ कि ये दिन जो है लोगों को प्रेरणा देता है, स्फूर्ति देता है, और चाहे शरीर कैसा भी हो मन मजबूत रहना चाहिए। बस मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अरे मन तू मेरा मित्र बन, ये मैंने नारा सबको सुनाया, तो मैं अब खुद भी अपने मन को अपना मित्र बना लेता हूँ और परेशानियों से जूझता चला जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी ऐसे ही बने और आप सब भी उन ऊँचाइयों पहुँचें जिन ऊँचाइयों तक पहुँचने मुझे मदद मिली। ये रास्ता हर किसी के लिए खुला पड़ा है, बस कोशिश होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए और अंतिम स्टेप तक निराश हुए बिना प्रयास करना चाहिए कंटिन्यूस। मैंने किया है और आगे जो भी करेगा उसको मिलेगा। परसिवरेंस हमारी संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया, परसिवरेंस यानी टू मेंटेन द स्टेटस को, जैसे आप हैं वैसे ही आप बने रहें और वैसे ही आप ऊपर चलें, चाहे आपका जीवन कैसा भी कहाँ कितनी ऊंचाइयों पहुंच जाए, सादगी जीवन में रहे और गुरु के प्रति निष्ठा बनी रहे, पिता माता पिता के प्रति सम्मान का भाव बना रहे, बस यही सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने जीवन में उतारी। और डॉक्टर बनने के बाद जो गुरुदेव ने जीवन बना दिया, मैं समझता हूँ कि वही मेरे लिए सबसे बड़ा विशेष उपहार है। कई जगह यूनिवर्सिटी बनाने का मन है, बनाएंगे, कई जगह अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चों को पहुंचाने का मन है, उनको पहुंचाएंगे, और युवा शक्ति को जगाने का जो मन है उसमें युवा शक्ति पूरी पूरे उत्साह से लगी रहे और काम करती रहे, ऐसा सृजेता युग सृजेता जो कार्यक्रम होने जा रहा है नागपुर में, उसके बाद और वहाँ से आगे तक आने वाले 13-14 वर्ष तक कंटिन्यूस काम करने का मन है।